हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 47 देखेंगे और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टर्म्स एसोसिएटेड विद इन्फ्लेशन, यानी कि इन्फ्लेशन से जुड़े हुए जो भी स्टैंडर्ड टर्म्स हैं उन सारे टर्म्स को हम समझेंगे वन बाय वन। और देखिए, इन्फ्लेशन ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने से पहले मैंने ये पांच टर्म मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया था। तो आज के लेक्चर में हम इन पांच टर्म्स के अलावा बाकी जितने टर्म्स हैं उनको पढ़ेंगे, ठीक है? तो पांच टर्म्स मैंने आपको पहले क्या पढ़ा दिया था, वो था इन्फ्लेशन, दूसरा था प्राइस लेवल, ठीक है, तीसरा टर्म था डिफ्लेशन, चौथा रिफ्लेशन एंड पाँचवा डिस इन्फ्लेशन। तो आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं इनका थोड़ा रिकैप देता हूँ। देखिए, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, ठीक है? महंगाई का मतलब है कि हमारी इकोनॉमी में जो भी एवरेज प्राइस या प्राइस लेवल है उसका बढ़ जाना, ठीक है? अगर आप इसे एक कमोडिटी के कॉन्टेक्स्ट में समझें तो मार्केट में किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की जो भी टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई है, ठीक है, उससे जो उसका प्राइस बनता है उसको हम मार्केट प्राइस कहते हैं। जब भी उस कमोडिटी की डिमांड बढ़ती है तो डिमांड बढ़ने से उसका प्राइस बढ़ता है, या जब भी उसकी सप्लाई गिरती है तो उसका प्राइस बढ़ता है। तो जब भी उस कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है तो हम कहते हैं कि वो कमोडिटी महंगी हो गई या उस कमोडिटी में इन्फ्लेशन हो गया। लेकिन ये तो मैं कमोडिटी के कॉन्टेक्स्ट में बोला, लेकिन जब भी हम इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे हम इकोनॉमी के अंदर टोटल जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके टोटल डिमांड टोटल सप्लाई की बात करते हैं। तो इकोनॉमी में टोटल डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एंड देयर टोटल सप्लाई जहां मीट करते हैं वो प्राइस लेवल बनता है। तो जब भी इकोनॉमी में टोटल डिमांड या वो एडी जब बढ़ता है, जब डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है तो प्राइस लेवल बढ़ता है, या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से जब भी सप्लाई शॉर्टेज होती है, सप्लाई गिरता है तो प्राइस लेवल बढ़ता है। तो इकोनॉमी में जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो हम प्राइस लेवल की बात करते हैं, ठीक है जी? प्राइस लेवल वर्सेस जो भी हमारा नेशनल एक्सपेंडिचर है, नेशनल इनकम है। तो किसी भी इकोनॉमी में जब इन्फ्लेशन होता है तो सिचुएशन क्या होती है कि उस इकोनॉमी में जो प्राइस लेवल है ये बढ़ता है। प्राइस लेवल बढ़ने से क्या है कि फर्म्स के लिए प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है, तो प्रोडक्शन बढ़ता है, और साथ ही साथ अगर प्राइस लेवल बढ़ रहा है इसका मतलब है कि जो टोटल डिमांड है वो ज़्यादा है, यानी मार्केट में डिमांड ज़्यादा है। अगर डिमांड है, लोगों के पास परचेजिंग पावर है, और प्राइस लेवल बढ़ने से फर्म्स की प्रॉफिट मार्जिन बढ़ती है तो प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है जीडीपी बढ़ती है, और जब भी प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होंगे, उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, ठीक है? इसी इन्फ्लेशन का जो अपोजिट होता है उसको हम बोलते हैं डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब होता है निगेटिव इन्फ्लेशन, यानी किसी भी इकोनॉमी में अगर प्राइस लेवल गिर जाए, यानी जो भी करंट प्राइस लेवल है उससे अगर प्राइस लेवल नीचे आता है तो हम उसे निगेटिव इन्फ्लेशन कहते हैं। और जब भी इकोनॉमी में निगेटिव इन्फ्लेशन होता है तो इसकी वजह से इकोनॉमी रिसेशन में चली जाती है, ठीक है? अगर ये निगेटिव इन्फ्लेशन कुछ समय तक बरकरार रहा तो सिचुएशन रिसेशन की होती है। रिसेशन की जो टेक्निकल डेफिनेशन होती है वो ये होता है कि कोई भी इकोनॉमी अगर लगातार दो क्वार्टर तक निगेटिव जीडीपी ग्रोथ देती है तो हम उसको रिसेशन में बोलते हैं। दो क्वार्टर का मतलब है 6 महीने, यानी पहले क्वार्टर का जो भी जीडीपी ग्रोथ के प्रोजेक्शंस डेटा आए हैं अगर वो निगेटिव है, अगला क्वार्टर भी निगेटिव है, तो हम बोलते हैं इकोनॉमी रिसेशन में है। और जब भी इकॉनमी रिसेशन में होती है, या जब जो निगेटिव इन्फ्लेशन की जो सिचुएशन बनता है वहाँ पर क्या होता है कि निगेटिव इन्फ्लेशन यानी प्राइस लेवल गिरेगा। जब भी प्राइस लेवल गिरता है तो प्रोडक्शन गिरता है, ठीक है? और प्रोडक्शन गिरेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, यानी इन्फ्लेशन के टाइम पे प्राइस लेवल बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, जीडीपी बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। ये सारा चीज़ उल्टा हो जाता है निगेटिव इन्फ्लेशन के टाइम, और उस निगेटिव इन्फ्लेशन की वजह से जो इकोनॉमिक सिचुएशन पैदा होती है उसे हम रिसेशन कहते हैं, जहां ये सारे इम्पैक्ट होते हैं। फिर एक टर्म आता है डिस इन्फ्लेशन। डिस इन्फ्लेशन क्या है? डिस इन्फ्लेशन होता है रिडक्शन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि अगर किसी देश में महंगाई ज़्यादा है
तो सरकार वहाँ की सेंट्रल बैंक कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाती है, गवर्नमेंट अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम करती है, ठीक है, सप्लाई साइड रेक्टिफिकेशन होते हैं, और ये सब करके हम रेट ऑफ इन्फ्लेशन को कम करते हैं, ठीक है जी। तो जब भी हम इन्फ्लेशन के बढ़ने की दर, मान लीजिए इन्फ्लेशन इकोनॉमी में अगर 7% था, अगर हम उस 7% को 6% लेवल पे या 5% लेवल पे या 4% लेवल पे ला देते हैं, तो उस रिडक्शन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन को हम डिस इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। और हर इकोनॉमी चाहती है कि उसका इन्फ्लेशन लेवल ऑप्टिमल हो। इंडिया के केस में हम अपनी मॉनेटरी पॉलिसी से इन्फ्लेशन को 4% के लेवल पर रखना चाहते हो, हमारे लिए आइडियल सिचुएशन विद टॉलरेंस लिमिट ऑफ ±2%। जब आप डेवलप्ड कंट्रीज की बात करते हैं तो वो इन्फ्लेशन को 2% लेवल पर रखना चाहते हैं, ठीक है। अब तो हमने इन्फ्लेशन देख लिया, उसका उल्टा डिफ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन इकोनॉमी में बूम क्रिएट करता है, डिफ्लेशन इकोनॉमी में रिसेशन क्रिएट करता है, और जो अच्छा सिचुएशन है जो कि सेंट्रल बैंक और सरकारें चाहती हैं वो है डिस इन्फ्लेशन, यानी महंगाई की जो दर है वो कम रहे, ठीक है, हम उसको कम रखें। अब बात कर लेते हैं रिफ्लेशन। रिफ्लेशन वो सिचुएशन होती है जब कोई इकोनॉमी रिसेशन से रिकवर करती है। तो रिसेशन के दौरान क्या था कि निगेटिव इन्फ्लेशन था, यानी प्राइसेस गिरते जा रही थी, जो प्राइस लेवल था गिरते जा रहा था। जब सरकार सेंट्रल बैंक इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ाती है, ठीक है, मनी सप्लाई बढ़ने से डिमांड बढ़ता है, डिमांड बढ़ने से प्राइसेस बढ़ती हैं, तो जब प्राइस लेवल पॉजिटिव होता है और धीरे धीरे प्राइस लेवल बढ़ने लगता है, यानी इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है, तो वो जो रिसेशन से रिकवरी के दौरान जो पॉजिटिव इन्फ्लेशन है उसे हम रिफ्लेशन कहते हैं। तो एक टर्म बचता है प्राइस लेवल। प्राइस लेवल क्या है, देखिए हमारी इकोनॉमी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी प्राइसेस दी, उन प्राइसेस का जो एवरेज वैल्यू होता है वो प्राइस लेवल कहलाता है। तो प्राइस लेवल इज द एवरेज वैल्यू ऑफ, प्राइस लेवल इज द एवरेज वैल्यू ऑफ प्राइसेस ऑफ वेरियस गुड्स एंड कमोडिटीज दैट आर प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी, ठीक है जी। तो इन 5 टर्म्स को हमने एक बार रिकैप कर लिया। इनका डिटेल्ड लेक्चर देखना है कि ये कैसे काम करते हैं, इनमें क्या क्या, क्या चीज़ें इनके 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 क्या फैक्टर्स इनको अफेक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने इन्फ्लेशन के लेक्चर सीरीज के स्टार्टिंग में पढ़ा रखा है। तो चलिए इसके आगे की बात करते हैं, और जो इन्फ्लेशन से जुड़े स्टैंडर्ड टर्म्स हैं, तो आज जो हम पहला टर्म देखेंगे वो है इन्फ्लेशनरी गैप। तो आज का जो हमारा पहला टर्म है वो है इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है जी। अब इन्फ्लेशनरी गैप में क्या होता है, देखिए मैं इसे लिखूंगा नहीं, मैं आपको समझा दूंगा और फिर आप इसके जो डेफिनेशन है वो आप खुद से क्रिएट कर लीजिएगा इसके कॉन्सेप्ट से। देखिए अगर किसी इकोनॉमी में, किसी भी इकोनॉमी में जो भी उसका टोटल डिमांड है जिसे हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं, अगर वो एग्रीगेट डिमांड उस इकोनॉमी में एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है, कंडीशन अप्लाइड दैट कि ये एग्रीगेट सप्लाई जो है ये है एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए कोई इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की जो टोटल डिमांड या एग्रीगेट डिमांड है, अगर वो उस इकोनॉमी में एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है, कंडीशन की जो प्रोडक्शन हो रहा है वो अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है, तो यहाँ पे चूंकि डिमांड ज़्यादा है तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन होगा, ठीक है। तो ये जो डिमांड और सप्लाई में जो गैप है इसी को हम इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। अब यहाँ इम्पॉर्टेंट बात क्या थी कि देखिए किसी भी इकोनॉमी में अगर उसकी एग्रीगेट सप्लाई अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है, इसका मतलब है कि वो जो इकोनॉमी है अपने प्रोडक्टिव कैपेसिटी को फुली यूटिलाइज कर लिया है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को अगर हमें लिखना हो तो हम बोलेंगे
प्रोडक्शन इज हैपनिंग एट इट्स फुल कैपेसिटी। ठीक है, यानी उस इकोनॉमी की जो कैपेसिटी थी, उस इकोनॉमी की प्रोडक्टिव जितनी भी प्रोडक्टिव कैपेसिटी थी, उन सब को यूटिलाइज करके जो टोटल प्रोडक्शन हो रहा है वो होता है एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई इकोनॉमी है, वहाँ जितना भी टोटल वर्क फोर्स है, ठीक है, वर्क फोर्स में क्या आते हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स प्लस टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड क्यों? क्योंकि वो लोग स्किल्ड हैं, वो जॉब करना चाहते हैं पर उनके पास फिलहाल में जॉब नहीं, यानी वो जॉब ढूंढ रहे हैं। तो वर्क फोर्स में करेंट वर्कर्स प्लस टोटल अनएम्प्लॉयड, ये वर्क फोर्स बनाते हैं। अब मान लीजिए किसी भी देश का ये जो टोटल वर्क फोर्स है, अगर वो पूरा वर्क फोर्स एम्प्लॉयड हो जाता है, उस देश में जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, उनका जो भी प्रोडक्शन लेवल है, सारी फैक्ट्री अपने मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रही हैं, मैक्सिमम प्रोडक्शन कर रही हैं, पूरा वर्क फोर्स यूटिलाइज हो गया, फुल एम्प्लॉयमेंट है, तो अब इकोनॉमी में इससे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आपको प्रोडक्शन करनी है तो आपको लेबर या एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी, और इकोनॉमी में करेंटली जितना वर्क फोर्स था आपने पूरा का पूरा यूज कर लिया, यानी लिटरली वैसी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट 0% हो गया, जो कि प्रैक्टिकली नहीं होता है पॉसिबल। लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का मतलब क्या है कि आपने पूरा का पूरा वर्क फोर्स यूटिलाइज कर लिया, आपकी यहाँ जो भी फैक्ट्रीज हैं उनमें जो भी एग्जिस्टिंग मशीनरी इक्विपमेंट है वो अपने फुल प्रोडक्शन लेवल पे काम कर रही हैं। तो पूरा वर्क फोर्स, सारी फैक्ट्री, इकोनॉमी के पूरी प्रोडक्टिव कैपेसिटी यूज करके जो भी आप प्रोडक्शन करते हैं, वो प्रोडक्शन से जो सप्लाई बनती है वो ये एग्रीगेट सप्लाई है। तो कोई भी इकोनॉमी मैक्सिमम इतनी ही प्रोडक्शन या सप्लाई क्रिएट कर सकती है, लेकिन इस सप्लाई लेवल पे भी अगर इकोनॉमी में डिमांड स्टिल ज़्यादा है, तो फिर ये जो अभी भी एक्सेस ऑफ डिमांड है इसको सप्लाई फिल कर ही नहीं सकता, बिकॉज इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग एट इट्स फुल कैपेसिटी। तो ये जो एक्सेस ऑफ डिमांड है ये सिर्फ इन्फ्लेशन के रूप में मैनिफेस्ट होगा, यानी इस केस में इन्फ्लेशन इज बाउंड टू हैपन। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस एक्सेस डिमांड इकोनॉमी विल एक्सपीरियंस इन्फ्लेशन। ठीक है जी, तो इन्फ्लेशन होगा ही बिकॉज इकोनॉमी ऑलरेडी अपने फुल प्रोडक्शन लेवल पे है। तो जब भी किसी इकोनॉमी में और एग्रीगेट डिमांड अभी भी ज़्यादा क्यों हो सकता है, क्योंकि उस देश में पैसा, मतलब मनी सप्लाई ज़्यादा होगी। अगर मान लीजिए किसी देश की सरकार एक्सेसिव करेंटी सॉरी अगर किसी देश की गवर्नमेंट एक्सेसिव करेंसी प्रिंटिंग करती है, तो वो सारा जो करेंसी है वो उनके बैंकों में आएगा, बैंकों से लोगों के पास जाएगा, और अगर लोगों के पास पैसे हैं तो वो डिमांड क्रिएट करते रहेंगे, यानी डिमांड हमेशा बढ़ी रहेगी। और अगर सप्लाई उस डिमांड को पूरा नहीं कर सकती, और सप्लाई या प्रोडक्शन अपने फुल कैपेसिटी लेवल पर वो देश कर दे, इसके बाद भी लोगों के पास पैसे अभी भी बहुत ज़्यादा हैं और वो अभी भी और ज़्यादा डिमांड और कंजम्पशन, ओवर कंजम्पशन करना चाहते हैं, उस केस में सिर्फ इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ठीक है, तो इन्फ्लेशन इज बाउंड टू हैपन, और ये जो सिचुएशन होती है कि एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, इसी को इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं। और किसी भी इकॉनमी में अगर इन्फ्लेशनरी गैप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर आकर अगर बनता है, तो वहाँ सिर्फ इन्फ्लेशन होगा। तो अगर हमें इन्फ्लेशन को रोकना है तो हमें इस डिमांड को कंट्रोल करना पड़ेगा, यानी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनानी पड़ेगी, बिकॉज प्रोडक्शन तो बढ़ा नहीं सकते क्योंकि वो ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है। तो ये तो हो गया इन्फ्लेशनरी गैप। दूसरा टर्म देखिए, इसी का जस्ट अपोजिट होता है, उसको हम बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है जी, ओके, डिफ्लेशनरी गैप में क्या होगा? ऑब्वियसली पहले केस में गैप की वजह से इन्फ्लेशन हो रहा था, और दूसरे केस में
डिमांड, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के गैप की वजह से अगर डिफ्लेशन हो रहा है, इसका मतलब है कि फ्रॉम द डेफिनेशन, मतलब सॉरी फ्रॉम द टर्म वी कैन डिराइव, हम इजिली इस बात को समझ सकते हैं या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये एक ऐसी इकोनॉमिक सिचुएशन होगी जहां एग्रीगेट सप्लाई जो है वो एग्रीगेट डिमांड से ज़्यादा होगा, कंडीशन दैट कि ये जो सप्लाई या प्रोडक्शन हो रहा है ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है। ठीक है, यानी कोई इकोनॉमी, अब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, तो कोई भी इकोनॉमी अगर अपनी पूरी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को यूटिलाइज करके, जो भी उनका करंट प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, और वो करंट प्रोडक्टिव कैपेसिटी डिपेंड करता है उनके टोटल वर्कफोर्स प्लस टोटल एग्जिस्टिंग जो भी वहाँ पे फैक्ट्री, उनमें जो इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी, जो भी करंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन यूनिट हैं और जो उनकी करंट लेवल ऑफ एफिशिएंसी है, टोटल वर्कफोर्स है, इनको फुली यूटिलाइज करके वो जो भी टोटल प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे जो सप्लाई क्रिएट हो रही है, अगर ये सप्लाई वहाँ पे डिमांड से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली एक्सेस ऑफ सप्लाई होगा। जब भी एक्सेस ऑफ सप्लाई होगा तो प्राइस लेवल क्या करेगा, प्राइस लेवल ड्रॉप करेगा। एक्सेस ऑफ सप्लाई है तो प्राइस लेवल ड्रॉप करेगा, अगर प्राइस लेवल ड्रॉप करेगा तो जाहिर सी बात है कि फिर प्राइस लेवल ड्रॉप करने का रिजल्ट क्या होता है कि प्रॉफिट मार्जिन गिरती है तो प्रोडक्शन गिरता है। अगर प्रोडक्शन गिरेगा, प्राइस लेवल ड्रॉप करने का मतलब है कि निगेटिव इन्फ्लेशन हो जाएगा वो, ठीक है, और अगर प्रोडक्शन ड्रॉप करता है तो ये रिसेशन की सिचुएशन होती है। अगर 2 क्वार्टर तक प्रोडक्शन ड्रॉप करता है यानी निगेटिव जीडीपी माने रिसेशन, और जब भी प्राइस लेवल ड्रॉप करेगा, प्रोडक्शन ड्रॉप करेगा तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन गिरेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ठीक है, एक मिनट, मैंने ऊपर रिसेशन में क्या लिख दिया था, लेट मी सी, प्राइस लेवल गिरता है, प्रोडक्शन गिरता है, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, सही लिखा था। ठीक है, तो जब भी सप्लाई इकोनॉमी में टोटल सप्लाई डिमांड से ज़्यादा होगी तो प्राइस लेवल गिरेगा, बिकॉज देर इज एक्सेस ऑफ सप्लाई, एक्सेस ऑफ सप्लाई से प्राइस लेवल गिरेगा, अगर प्राइस लेवल गिरता है निगेटिव इन्फ्लेशन होगा इकोनॉमी में, निगेटिव इन्फ्लेशन की वजह से प्रोडक्शन गिरेगा, प्रोडक्शन गिरेगा और 2 क्वार्टर तक प्रोडक्शन गिरा तो रिसेशन होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो ये सारी सिचुएशन होती हैं डिफ्लेशनरी गैप की वजह से। अब यहाँ पे एक सवाल ये खड़ा हो सकता है कि इकोनॉमी में ठीक है प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हो रहा है तो ये डिमांड कम क्यों है। देखिए, इकोनॉमी में टोटल डिमांड कम हो सकती है बिकॉज लोगों की परचेजिंग, जो ये टोटल डिमांड है ना, ये लोगों की परचेजिंग पावर पे डिपेंड करता है। अगर लोगों की परचेजिंग पावर, जो टोटल लोगों की परचेजिंग पावर होती है, जो वो जितना कंजम्पशन कर सकते हैं वो उनका डिमांड बनाता है, तो अगर लोगों के पास ओवरऑल पैसे कम हैं, अगर इकोनॉमी में पैसे कम हैं लोगों के पास या मनी सप्लाई कम है लेकिन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, तो फिर ये सिचुएशन बनती है डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, तो इन्फ्लेशनरी गैप हो चाहे डिफ्लेशनरी गैप हो, इन दोनों चीज़ों में एक बात का ध्यान रखिएगा कि हम एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई में गैप की बात कर रहे हैं, लेकिन जब भी हम सप्लाई या प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो हम वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे बात कर रहे हैं। कि अगर इकोनॉमी अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे प्रोडक्शन और सप्लाई कर रही है, उसके बावजूद जो भी गैप क्रिएट होता है उससे इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन जो बन रहा है उसके हिसाब से ये 2 टर्म क्रिएट हुए हैं। तीसरा टर्म देखिए क्या होता है, तीसरा टर्म होता है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन या बॉटल नेक इन्फ्लेशन। तीसरा टर्म होता है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, या इसी को हम बोलते हैं बॉटल नेक इन्फ्लेशन।
ठीक है। देखिए, इन्फ्लेशन है यानी कि इकोनॉमी में महंगाई है, ठीक है। और हम इन्फ्लेशन की जब भी बात करते हैं तो हम प्राइस लेवल की बात करते हैं, यानी इकोनॉमी के टोटल डिमांड और सप्लाई के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स और डेफिशिएंसी इन द इकोनॉमी। तो ये जो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन या बॉटल नेक इन्फ्लेशन होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि देयर इज इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी, देयर इज इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स और डेफिशिएंसीज, ओके, डेफिशिएंसीज, डेफिशिएंसी, ओके। तो किसी भी इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशन है उसके स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम या स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज की वजह से, तो उसे हम बॉटल नेक इन्फ्लेशन या स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन कहते हैं। अब सवाल है कि किसी भी इकोनॉमी में ये जो स्ट्रक्चरल या बॉटल नेक इन्फ्लेशन है ये क्यों होता है, मतलब किसी भी इकोनॉमी में क्या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी हो सकती हैं। तो वो तीन हो सकती हैं, ठीक है। अगर हम स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम या स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी की बात करें तो ये तीन हो सकते हैं, ये तीन चीज़ें हो सकती हैं। इन तीन चीज़ों की वजह से बॉटल नेक इन्फ्लेशन हो सकता है। पहला क्या है, पहला है स्केयरसिटी ऑफ कैपिटल, स्केयरसिटी ऑफ कैपिटल। अब इस स्केयरसिटी ऑफ कैपिटल के भी फर्दर दो पार्ट होते हैं, ठीक है जी। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल, और दूसरा होता है ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। तो पहला कारण होता है स्केयरसिटी ऑफ कैपिटल, दूसरा होता है, ओके लेट मी चेंज द कलर, लेट मी सेलेक्ट करेंगे, पुअर सप्लाई चेन नेटवर्क। दूसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, पुअर सप्लाई, पुअर सप्लाई चेन नेटवर्क। अब ये जो पुअर सप्लाई चेन नेटवर्क है ये फर्दर तीन चीजों पे डिपेंड करता है, ए बी एंड सी, ठीक है। ये जो पुअर सप्लाई चेन नेटवर्क है ये फर्दर तीन चीजों पे डिपेंड करता है, ए बी सी। पहला जो सप्लाई नेटवर्क को अफेक्ट करने वाला जो पहला टर्म है वो है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, या मोर प्रिसाइजली ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा होता है स्टोरेज फैसिलिटी, और तीसरा होता है मिडिल मैन इन द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, मिडिल मैन इन डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई चेन, ओके नॉट डिस्ट्रीब्यूशन, मिडिल मैन इन्वॉल्व इन द सप्लाई चेन। मिडिल मैन इन सप्लाई
चैन, ठीक है। और देखिए तीसरा तीसरा जो चीज़ होता है वो होता है कि मार्केट इम्परफेक्शन। तीसरा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो सकता है मार्केट इम्परफेक्शंस, मार्केट इम्परफेक्शंस, मार्केट इम्परफेक्शन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मोनोपोली, पहला मोनोपोली, और दूसरा हम एग्जाम्पल ले सकते हैं ओलिगोपोली में जो कार्टेल फॉर्मेशन होता है, कार्टेल, ठीक है। अब इनको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए मैंने कहा कि किसी भी इकोनॉमी में महंगाई या इन्फ्लेशन इस बात से है क्योंकि उस इकोनॉमी में कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं। अब स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स का मैंने ये तीन तीन स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स बताएं। पहला जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो होता है स्केयरसिटी ऑफ कैपिटल। और कैपिटल दो तरह के होते हैं, फिक्स कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। फिक्स कैपिटल में मतलब क्या है कि उस इकोनॉमी में जो भी फैक्ट्रीज हैं, उन फैक्ट्री में जो भी मशीनरी इक्विपमेंट हैं, जो टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयड है, ये सब फिक्स कैपिटल है। ह्यूमन कैपिटल यानी लेबर। अब देखिए अगर किसी देश में ह्यूमन कैपिटल जो है यानी जो वहाँ पे लेबर है अगर वो स्किल्ड नहीं है, उसके पास अगर अच्छी एक्सपर्टीज नहीं है, ठीक है, तो उस वहाँ पे ह्यूमन कैपिटल की जो एम्प्लॉय एबिलिटी है वो कम होगी, यानी वो ह्यूमन कैपिटल कम रिसोर्सफुल है बिकॉज वो लेस एजुकेटेड है, लेस स्किल्ड है, उसके पास एक्सपर्टीज नहीं है, उसको नई टेक्नोलॉजी के नॉलेज नहीं है। दूसरी तरफ साथ ही साथ अगर वहाँ पे फैक्ट्रीज कम हैं बिकॉज अगर सरकार के पास पैसे नहीं हैं, उस देश में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स कम है, एंटरप्रेन्योरशिप कम है, तो वहाँ पे कम फैक्ट्रीज होंगी, ठीक है, क्योंकि सरकार और लोगों के पास पैसे ही नहीं फैक्ट्री लगाने के लिए। उनमें इक्विपमेंट पुराने होंगे, उनकी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब भी स्केयरसिटी ऑफ कैपिटल होता है यानी जब भी लेबर की एम्प्लॉयबिलिटी पुअर होती है या जो भी फैक्ट्रीज हैं, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट अगर ये सब पुअर है, तो वहाँ पे प्रोडक्शन ही कम होता है। और अगर उस इकोनॉमी में प्रोडक्शन ही कम हो रहा है मतलब जो एग्रीगेट सप्लाई है वो कम है, और सप्लाई शॉर्टेज की वजह से इन्फ्लेशन रहेगा, और उसी को हम बॉटलनेक इन्फ्लेशन कह रहे हैं, पहला चीज़। दूसरा दूसरी बात क्या है, और यहाँ पे एग्जांपल हम ले सकते हैं पाकिस्तान का। देखिए पाकिस्तान की प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्केयरसिटी ऑफ कैपिटल बिकॉज वहाँ जो ह्यूमन कैपिटल है, जो वहाँ पे लोग हैं, उनकी एम्प्लॉय एबिलिटी भी कम है बिकॉज वहाँ जो भी लेवल ऑफ एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट है वो उतना अच्छा नहीं है। साथ ही साथ पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास अपने यहाँ इंडस्ट्रीज लगाने का, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए पैसे नहीं है, और वहाँ पर इतना ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप या ये जो प्राइवेट जो वेंचर्स हैं वो भी इतने ज़्यादा नहीं है, और जो हैं भी वो ठीक से ऑपरेट नहीं कर पा रहे, नई नई फैक्ट्रीज नहीं लग रही हैं। तो स्केयरसिटी ऑफ कैपिटल की वजह से पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है उसकी एक बड़ी वजह है, पाकिस्तान में बहुत हाई इन्फ्लेशन है उसकी एक बहुत बड़ी वजह यही है स्केयरसिटी ऑफ कैपिटल। दूसरा चीज़ देखिए, अगर किसी इकोनॉमी में जो सप्लाई चेन नेटवर्क है ये पुअर हो, यानी उस देश में जो भी ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी रोड ट्रांसपोर्ट्स के लिए जो ट्रक या रेलवे ट्रांसपोर्ट, अगर ये सब कम है, तो जाहिर सी बात है कि एक रीजन से अगर एक रीजन में प्रोडक्शन हो रहा है, मान लीजिए कोई एक रीजन में कोल का प्रोडक्शन हो रहा है, अब आपके पास अगर रेल या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, तो आप उन कोल माइन से अपने पावर प्लांट तक कोयला कैसे पहुंचाएंगे, अपने फैक्ट्रीज तक कैसे पहुंचाएंगे, अपने आयरन एंड स्टील जो इंडस्ट्री या आयरन स्टील कंपनी वहां तक कैसे पहुंचाएंगे। तो जो आपका प्रोक्योरमेंट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ये बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। वहीं पे पेरिसेबल आइटम्स की बात कर ले, फूड वेजिटेबल्स जो एक रीजन में प्रोड्यूस हो रहे हैं, आपकी अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी नहीं है तो आप दूसरे रीजन तक पहुंचाएंगे, चीज़ें खराब डैमेज हो जाएंगे। तो वहाँ पे ये जो इकोनॉमी में पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर के इशू है, इसकी वजह से भी इन्फ्लेशन होता है बिकॉज सप्लाई हैम्पर होती है, सप्लाई में रिडक्शन आती है। दूसरी बात स्टोरेज फैसिलिटी, अगर स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है तो जाहिर सी बात है कि
अगर आपको बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना है कि एक रीजन की कमोडिटी, से फॉर एग्जांपल अगर कश्मीर में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, उनके हिली टेरेन में एप्पल का प्रोडक्शन हो रहा है इंडिया में, और हमें उन्हें लगभग 3,000 किलोमीटर दूर साउथ में, केरला तमिलनाडु में, अगर हमें उन्हें पहुंचाना है उन एप्पल्स को, तो जाहिर सी बात है कि हम उनको हमें बीच में स्टोरेज फैसिलिटी की नीड होगी, बिकॉज पहले वो एप्पल्स उन हिले टेरेन से, उन कोल्ड क्लाइमेट से मेनलैंड इंडिया में, यानी ये यमुना गंगा प्लेन्स में आते हैं, यहाँ कोल्ड स्टोर में रखे जाते हैं, फिर यहाँ से फिर वो आगे बढ़ते। कहने का मेरा मतलब है कि जितना ज़्यादा स्टोरेज फैसिलिटी होगा, चाहे, और स्टोरेज फैसिलिटी ज़रूरी क्यों है, क्योंकि आपको टोमेटो हो गया, सॉरी अनियंस हो गए, पोटैटो हो गए, अगर इनकी सप्लाई आपको थ्रू आउट द ईयर इंश्योर करना है, बिकॉज अनियंस या पोटैटो का हार्वेस्ट तो उनके सीजन में होता है, लेकिन अगर आप इनको कोल्ड स्टोर में नहीं रखेंगे तो आप इन्हें पूरे साल नहीं बचा सकते, वो ख़राब हो जाएंगे, ठीक है, बिकॉज अनियंस और पोटैटो भी विद इन फ्यू मंथ वो ख़राब हो जाएंगे अगर वो नॉर्मल टेम्परेचर पर रहेंगे तो। तो कहने का मतलब है कि सब स्टोरेज फैसिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है टू इंश्योर स्मूथ सप्लाई ऑफ मेनी कमोडिटीज़ इन द मार्केट। और साथ ही साथ तीसरा कंपोनेंट आता है मिडिल मैन। अगर आपके सप्लाई चेन में बहुत ज़्यादा मिडिल मैन इन्वॉल्व हैं, तो जाहिर सी बात है कि प्राइसेस भी बढ़ती हैं, सप्लाई भी हैम्पर होता है, ठीक है, तो मिडिल मैन कम से कम होने चाहिए। अगर डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट है तो बहुत अच्छा है, स्टोरेज फैसिलिटी जितना ज़्यादा होंगी, सप्लाई उतना ही स्मूथ रहेगी, और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जितना ज़्यादा होगा, अच्छा होगा, उतना अच्छे से स्मूथली सप्लाई हो पाएगी। तीसरा जो कारण होता है वो है मार्केट इम्परफेक्शंस, यानी कि देखिए, मार्केट इम्परफेक्शन मतलब कि बाजार अच्छे से काम ना कर रहा हो। बाजार अच्छे से काम कब करता है? जब परफेक्ट मतलब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट हो। अब आप देखिए, मैंने टाइप्स ऑफ मार्केट आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ाया, तो वहाँ मैंने चार मार्केट की बात की थी। पहला मार्केट की बात मैंने की थी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, और मैंने बोला कि ये आइडियल मार्केट है, बिकॉज परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, यानी एक तरह के प्रोडक्ट होते हैं, और मार्केट प्राइस जो होता है उसी पे फॉर्म्स को बेचना होता है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली बाजार में जाएं, तो क्या आपको होमोजीनियस प्रोडक्ट मिलते हैं? क्या आप एक मार्केट प्राइस पे करते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर मैं टूथपेस्ट की बात करूं, कोलगेट अपना टूथपेस्ट अपने प्राइस पे बेच रहा है, पतंजलि अपना टूथपेस्ट अपने प्राइस पे बेच रहा है, वहीं कोई और ब्रांड है वो अपना टूथपेस्ट अपने प्राइस पे बेच रहा है, तो सभी टूथपेस्ट बना रहे हैं, लेकिन सब अलग अलग प्राइस क्यों चार्ज कर रहे हैं? बिकॉज उनका प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है, ठीक है, डिफरेंशिएटेड है, कुछ उसमें इंग्रेडिएंट्स वो डिफरेंट डाल रहे हैं। अब वहीं पे एग्जांपल ले लीजिए कि अगर हार्पिक का एग्जांपल लें, जो हम बाथरूम क्लीनर यूज करते हैं, दो कंपनी को आप एग्जांपल में ले लें, हार्पिक को ले लें और गेंडा, ये दो कंपनी हैं जो लगभग एक तरह का बाथरूम क्लीनर लिक्विड बना रही हैं, पर स्टिल इनकी मार्केट प्राइस डिफरेंट है, बिकॉज फिर वहाँ ब्रांडिंग और मार्केटिंग से डिफरेंशिएशन बनता है। तो प्रैक्टिकली जिस बाजार में हम खरीद कर रहे हैं, जो बाजार हम जानते हैं, वो बाजार मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है, बिकॉज या तो वहाँ फर्म्स अपने प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट्स की वजह से डिफरेंशिएशन करती हैं, या फिर मार्केटिंग की वजह से वो एक ब्रांड वैल्यू बनाती हैं, और वो ब्रांड वैल्यू ही अपने आप में एक डिफरेंशिएशन होता है। तो एक्चुअली में जो प्रैक्टिकल मार्केट होते हैं वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट होते हैं, वहाँ हमें डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, आइदर बाई इंग्रेडिएंट और बाई मार्केटिंग, और इसीलिए हर कंपनी या हर प्रोडक्ट की अलग अलग मार्केट प्राइस है, और हम अपने प्रेफरेंस के हिसाब से चीज़ें खरीदते हैं। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट क्या है? प्रैक्टिकल मार्केट है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट आइडियल है, पर वो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करते। अब दो और बच गए, मोनोपोली और ओलिगोपोली। देखिए, अगर कहीं कहीं पे मोनोपोली है, तो जाहिर सी बात है कि फर्म क्या होता है? प्राइस मेकर, कंज्यूमर्स आर द प्राइस टेकर। क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट एक ही कंपनी बना रही है, तो वो फिर हाई प्रॉफिट मार्जिन चार्ज करती है, और यहीं पे आता है मार्केट इम्परफेक्शन। अगर किसी इकोनॉमी में मार्केट इम्परफेक्ट है, यानी कि अगर वहाँ कंपटीशन नहीं है मार्केट में, यानी अगर मार्केट में ढेर सारे फॉर्म नहीं है, कंपटीशन नहीं है, या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट नहीं है,
अगर वहां मोनोपोली है, इसका मतलब है कि एक ही फर्म है मार्केट में, वो हाई प्रॉफिट मार्जिन चार्ज करेगी, वो प्राइस मेकर होगी, कंज्यूमर्स और प्राइस टेकर। तो अगर कंपनी हाई प्रॉफिट मार्जिन चार्ज करेगी, हाई प्राइस रखेगी, तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन होगा इकोनॉमी में। तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन क्यों है? मोनोपोली की वजह से। अगर उस प्रोडक्ट को बनाने वाली ढेर सारी कंपनी होती तो वो प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाता, मार्केट कंपटीशन की वजह से बहुत नॉर्मल हो जाता और प्राइसेस बहुत नीचे आ जाती हैं। यानी जब भी मार्केट इम्परफेक्ट होगा, जब मोनोपोली होगी, तो फिर इन्फ्लेशन होगा। और ये इन्फ्लेशन क्या है? आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन है। आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन है मोनोपोली की वजह से। वही में दूसरा क्या हो सकता है? कार्टेल फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल चौथी मार्केट ओलिगोपोली, यानी एक ऐसी मार्केट सिचुएशन जहाँ पे नंबर ऑफ फर्म 2 से ज़्यादा हो, यूजुअली 10 से कम। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि आप ऐसी इकोनॉमी ले जहाँ पे किसी प्रोडक्ट, किसी कमोडिटी या किसी सर्विस को बनाने वाली 4 या 5 फर्म हैं। अगर वो 4-5 फर्म आपस में बैठ कर एक, मतलब वो एक टेबल पे बैठ कर आपस में नेगोशिएट करके एक मार्केट प्राइस बना ले, और वो ये कह दे कि भाई कोई भी इस मार्केट प्राइस के नीचे नहीं बेचेगा, इसके ऊपर आपको बेचना है, तो अपनी मार्केटिंग और अपनी ब्रांड वैल्यू से आपको जो करना है करो, अगर लेकिन इसके नीचे नहीं बेचना है। यानी उन्होंने कंपटीशन को एक एलिमिनेट कर दिया, एक प्राइस के नीचे की कंपटीशन एलिमिनेट कर दी, उसको बोलते हैं कार्टेल फॉर्मेशन। तो जो उन्होंने एक बेयर मिनिमम, उन्होंने जो एक एक बेयर मिनिमम प्राइस तय कर दिया, वो भी हाई प्रॉफिट मार्जिन रखता है, और वो भी इन्फ्लेशन कुछ हद तक आर्टिफिशियल है, इसीलिए उसको हम मार्केट इम्परफेक्शन के अंदर रखेंगे या स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन कहेंगे। एग्जाम्पल क्या होता है? एग्जाम्पल अगर हम देना चाहें तो सबसे बड़े एग्जाम्पल है ओपेक कंट्रीज का। ये जो ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, मोस्टली दो जो अरब कंट्रीज हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, इन्होंने ओपेक के थ्रू यही किया कि भाई हर कंट्री, कोई भी, मतलब जो भी ऑयल प्रोड्यूसिंग और एक्सपोर्टिंग कंट्री है, वो इतने डॉलर पर बैरल के नीचे ऑयल नहीं बेचेगा इंटरनेशनल मार्केट में। और इस अंडरस्टैंडिंग के साथ क्या हुआ कि क्रूड ऑयल प्राइसेस ऊपर चली गई। ठीक है, अब कोई देश ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहे या कम प्रोडक्शन करना चाहे, वो उसकी अपनी चॉइस है, पर आप एक थ्रेशोल्ड प्राइस के नीचे नहीं बेच सकते। ठीक है, तो वो भी एक तरह का कार्टेल है। और देखिए, और अगर आपको टेलीकॉम, दूसरा कार्टेल हो सकता है टेलीकॉम सेक्टर। जैसे अपने इंडिया में जो भी टेलीकॉम कंपनीज हैं, ये भी कहीं ना कहीं ये भी कार्टेल है। मतलब मैं आपको बस एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ। जो भी ब्रांडेड कंपनीज हैं, लाइक जो एयरटेल हैं, जो जियो हैं, और जो टाटा स्काई है, और जो अदर कंपनीज हैं, यूजुअली जो मुझे नॉलेज है, ये लोग ऑप्टिकल फाइबर क्या है कि 499 का प्लान देते हैं। इन 499 हमें 40 Mbps या 50 Mbps का प्लान मिलता है। ठीक है, 499 बेस प्राइस है, इस पे 18% की GST लगती है। वहीं पे आप देखिए कि जो सिटीज़ में जो लोकल वेंडर्स हैं, वो लोग 449 में प्लान दे रहे हैं, एंड दे आर गिविंग ए स्पीड अप टू 100 Mbps, यानी 100 Mbps की स्पीड दे रहे हैं 449 में। GST वो भी चार्ज करेंगे, बट देयर बेस प्राइस इज 449। तो वहाँ वो जो 50 रुपये कम पे आपको ज़्यादा स्पीड दे रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं स्टिल देयर इज ए रिजनेबल प्रॉफिट मार्जिन। तभी तो कोई लोकल वेंडर कम प्राइस पे बेच कर भी प्रॉफिट कमा रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब भी कंपनीज कार्टेल बनाती हैं, जब भी मोनोपोली होती है, तो उसकी वजह से प्राइसेस आर्टिफिशली थोड़ा ऊपर रहती हैं। मोनोपोली है तो प्राइसेस आर्टिफिशली बहुत ऊपर रहती हैं, और कार्टेल है तो आर्टिफिशली थोड़ा ऊपर रहती हैं, और ये सब बॉटलनेक इन्फ्लेशन है। अच्छा, और मैं आपको बताता हूँ मोनोपोली के एग्जांपल। अगर गवर्नमेंट किसी चीज़ की मोनोपोली करती है तो प्राइसेस अफोर्डेबल रहते हैं। फॉर एग्जांपल रेलवे, रेलवे गवर्नमेंट की मोनोपोली है, लेकिन गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशन है, ये सोशल वेलफेयर के लिए है। और सोशल वेलफेयर का मतलब है कि हर जन की अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, हर जन को वो रेलवे सर्विस मिलनी चाहिए। इसीलिए रेलवे गवर्नमेंट के मोनोपोली है, लेकिन गवर्नमेंट बहुत सब्सिडाइज रेट पे हमें रेलवे ट्रांसपोर्ट अवेलेबल करती है, बहुत अफोर्डेबल रेट पे, क्योंकि गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर के लिए है।
लेकिन अगर वही रेलवे किसी प्राइवेट हैंड में होता तो मे बी कि दे वुड बी चार्जिंग प्राइस मोर देन 1.5 टाइम्स और मे बी 2 टाइम्स मोर देन द करेंट प्राइस, जो भी करेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो करेंट लेवल ऑफ फैसिलिटीज़ हैं उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई थिंक ये लेक्चर लंबा हो गया। अभी भी बहुत सारे टर्म्स रह रहे हैं, उनको हम वन बाई वन ऐसे ही 2-3 लेक्चर में ब्रेक करके देखेंगे। तो आज थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो आज हम पढ़ रहे थे टर्म्स एसोसिएटेड विद इन्फ्लेशन। तो हमने ये 5 टर्म पहले से पढ़े थे, उनका रिकैप किया। आज नया टर्म हमने पढ़ा, इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है, और तीसरा स्ट्रक्चरल या बॉटल नेक इन्फ्लेशन क्या होता है। सो इट इज़ द इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी ड्यू टू स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स और डेफिशियंसीज। और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम या डेफिशियंसी स्केर्सिटी ऑफ कैपिटल की हो सकती है, पुअर सप्लाई चेन नेटवर्क हो सकता है, मार्केट इम्परफेक्शंस हो सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं स्टैगफ्लेशन, ओवर हीटिंग ऑफ इकोनॉमी, सप्रेस्ड इन्फ्लेशन एंड लाइक फिलिप्स कर्व भी देखेंगे एंड अदर टाइप्स ऑफ जो भी अदर टर्म्स हैं इन्फ्लेशन से एसोसिएटेड, उन सबको देखेंगे। सो फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।